सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के इसरा गांव में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर गांव के घर में ही एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिले हैं। जहां पति का शव फांसी से लटका मिला, तो वहीं पत्नी सहित दो बच्चों के शव जमीन पर पड़े हुए मिले। पत्नी के शरीर पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान भी पाए गए हैं और पास ही तलवार भी यहाँ पर पड़ी मिली है। घटना की सूचना के बाद SP कल्याणमल मीणा सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया और साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज करके पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज सुबह ये सूचना मिली कि इसरा गांव में एक प्रभाराम बेल के घर में तीन व्यक्तियों के मर्द है और खुद पास पर लटक रहा। मौके पर आके देखे हैं और यहाँ आप देख रहे हो, आपके सामने यहाँ काफ़ी ब्लड है, इसको ब्लड को साफ किया हुआ है और पास में एक तलवार रखी हुई है और तीनों बॉडियाँ बिल्कुल आराम से ही रखे के फिर रखा है और मिस पर स्वयं प्रभाराम सुसाइड करके फांसी पर लटका है। पुलिस जांच कर रही है, अभी हम मेडिकल बोर्ड गठित किया है, इसके साथ एफएसएल टीम को भी हमने मैंने बुलाया है, सब चीज़ को देख के सारी क्लियर स्थिति करेगी। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता लियाकत अली फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी लियाकत, बताएं क्या कुछ खुलासा अभी तक हो पाया है? आपको बता रहे सिरोही से खबर, जहां पर पति का शव फंदे से लटका मिला, तो वहीं पत्नी का और दो बच्चों का शव जमीन पर यहां पर पड़ा हुआ मिला और एक ही परिवार के चार लोगों की मौत का यह मामला सिरोही से सामने आया है। संदिग्ध हालातों में चारों के शव यहां पर मिले हैं। पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता रहे पति का शव जहां फंदे से लटका मिला, तो वहीं पत्नी और दोनों बच्चों का शव जमीन पर यहां गिरा मिला और साथ ही पत्नी के शरीर पर चोटों के भी निशान यहां पर मिले हैं, जिससे हत्या की भी आशंका जताई जा रही है और साथ ही पत्नी के शव के पास से तलवार भी पुलिस ने यहां पर बरामद की है। पूरी जांच पड़ताल गहनता से की जा रही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।